बाहर आई, थोड़ी अंदर थोड़ी बाहर आई। मित्र जनों के अद्भुत सौजन्य से, सहयोग से आज हम सब श्रीमान रमेश पंडिता जी, एसएस ग्लोरिया जी के विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं। साथ में हमारे कुछ अभिन्न मित्र भी हैं, जिसमें अनिल सिंह जी भी हैं जो विद्यालय छोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सब उनके साथ कुछ और सुखद पल व्यतीत करें, यही मंगल कामना के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। और श्रीमती तान्या मैडम भी जो एक दाम्पत्य सूत्र में बधी, उनके लिए भी हम सब मिलजुल करके अपनी खुशियाँ व्यक्त करने जा रहे हैं और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं भी देने के लिए आतुर हैं। सुखद समय आते ही दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं मैं तो सच्चे मन से देता रहूँगा। सुख समृद्धि स्वास्थ्य सफलता के इनको वरदान मिले, ऐसी माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। करना किसी के लिए भी सहज नहीं होता। विदाई एक ऐसा शब्द है जो बहुत सी भावनाओं को हृदय में उथल पुथल मचाता रहता है। जहां तक बीते हुए समय की बात है, निश्चित रूप से हमारे दोनों अभिन्न मित्र अपने सद्गुणों के कारण से ऐसी अमिट छाप छोड़ दिए हैं जिसे मरते दम तक भुला पाना बहुत मुश्किल। निश्चित रूप से मेरे ग्लोरिया सर, एस एस ग्लोरिया सर का जब आगमन हुआ, मुझे वो दिन याद है, ऑडिटोरियम में लिखित परीक्षा दे रहे थे और शुभकामनाएं सभी की थी, अच्छे तरह से पास हुए। रमेश पंडिता सर ने भी अपनी विद्वता का प्रदर्शन किया और विद्यालय परिवार के सदस्य के रूप में प्रतिस्थापित हुए। निरंतर अपने अच्छे कार्यों की वजह से इन दोनों ने हर एक के मन मंदिर में अपनी जगह बना ली, जिसे निश्चित रूप से कोई भुला नहीं सकता। दो पंक्ति में अगर कहा जाए तो मैं दोनों के लिए यही कहूंगा, तुम सुजन हो सदैव सहृदय, शांत स्निग्ध उदार हो तुम। तुम सुजन हो सदैव सहृदय, शांत स्निग्ध उदार हो तुम। क्या करे गुणगान तेरा, सब गुणों के साथ हो तुम। क्या करे गुणगान तेरा, सब गुणों के साथ। सही मायने में दोनों शांत भी रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन भी करते हैं। तो मैंने कोई विशेष उपमाओं का प्रयोग नहीं किया, जो महसूस किया का आज आप लगा सकते हो। मैं आपके लिए दो चार पंक्तियां बोलूंगी। आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं, आपको हम विदा कर रहे हैं मगर सीनियर ऐसा सज्जन नहीं है। धन्यवाद सर, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जहां भी रहें सपरिवार सदा सुखी और हमेशा खुश रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हार्टफुल, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय हार्टफुल थैंक्स टू ऑल थ्री टीचर्स। ऑल्दो आई बेयरली इंटरैक्ट विद अनिल, बट आई फाउंड हिम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन who believes in only excelling in life, and I'm thankful to Gloria sir also, because many a times we have seen art and craft in our school life also, but what he projects, and we got very much motivated in the field of art also. And for Pandita sir, being as maths teacher, I found him very calm, very polite, and yes, he has the aura to you know, impress everybody. Thank you so much, and wish you all three very all the best for you. Thanks a lot. First of all, thanks a lot for giving such an opportunity and such a party to me. बहुत याद आएगा, दिस इज़ माई फर्स्ट स्कूल, एज आई वॉज टोटली एक्सपीरियंस बिफोर दिस।
सबसे पहला स्कूल था और सिंस आई वॉज अ केवियन सो कभी एपीएस में तो आने का कभी मौका नहीं मिला, तो एपीएस में आया भी तो एज अ टीचर आया, वो भी टीचरी मैथमेटिक्स. सर ने आई रियली अप्रिशिएट दैट कि सर ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं एज अ टीचरी मैथमेटिक्स काम कर सकूँ यहाँ पे. और यहाँ पे अपने जो मेरे को जितने भी यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स मिले, स्पेशली अपने जो अपना मैथ्स डिपार्टमेंट है, पंडिता सर और रमन सर, इन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया. आई वॉज टोटली अनएक्सपीरियंस गाय हु वॉज नोविस इन दिस फील्ड, लेकिन स्टिल इन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा गाइड किया कि हाउ टू टैकल दैट सिचुएशन. मतलब अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़, बाकी तो मेरे लिए टोटली सब कुछ न्यू था, क्योंकि सिंस आई वॉज अ ट्यूटर बिफोर दैट, तो पढ़ाना तो सब आता था, लेकिन पढ़ाना एक चीज़ होती है और बाकी का जो होता है, जो आपको करना होता है डील जो क्लास के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट. तो वो सब गाइड करना सर ने सिखाया और आई रियली अप्रिशिएट दैट कि मुझे इस लेवल के टीचर मिले कि जिनके साथ मैं अपने काम कर सकूँ, और काफ़ी सारा सीखने को मिला है. अब यही दुआ है कि बार बार इनसे मिलते रहें और जब भी मिलें कि मैं कहीं और लेवल पे, अच्छे लेवल पे और जाके इनसे मिलूँ. थैंक यू. विदाई समारोह में कुछ बोल पाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है. स्कूल में शुरू से अब तक जो भी मैंने समय बिताया है सबके साथ, प्रिंसिपल सर के साथ, पाठक सर के साथ, बाकी सभी पंडिता सर के साथ, सारे सभी टीचर्स के साथ, बहुत ही अच्छा समय बिताया है. ये पल मुझे हमेशा याद रहेंगे, भुलाना मुश्किल हो जाएगा. जा तो रहा हूँ लेकिन मन यही रहेगा. मैं चाहता हूँ कि स्कूल जो है वो हमारे जाने के बाद और ज़्यादा उन्नति करे, तरक्की करे, यही मेरी शुभकामना है. थैंक यू. वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल कि यू हैव अरेंज सच ए ग्रेट पार्टी फॉर अस. आई विल ऑलवेज रिमेन वेरी मच थैंकफुल टू यू. और कहते हैं ना कि हाथ छूटते हैं लेकिन रिश्ते नहीं तोड़ते हैं. दिस जिंदगी के शाख से रिश्ते नहीं तोड़ा करते हैं कि इंसान को हर वक्त ऐसे ही रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए. आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ हर वक्त मेरे साथ रहा, मैं इसका बहुत ही आभारी रहूँगा. और स्कूल का मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ जहाँ से मैंने बच्चों को पढ़ाया. अभी भी मुझे लगता है कि 60 साल की उम्र पाते हुए भी मुझे अभी भी लगता है मैं बच्चा ही हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है, बच्चों को पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है. इसको मैं मिस बहुत ही करूँगा. धन्यवाद. थैंक्स अ लॉट. मैं पहले तो अनिल से स्टार्ट करूँगी. अनिल का थोड़ा सा शॉर्ट टेन्योर रहा, बट आई वुड लाइक टू विश यू अनिल ऑल द वेरी बेस्ट वेयर एवर यू गो. यू प्लीज, मतलब आवर विशेज आर ऑलवेज देयर विद यू दैट यू शुड सक्सीड. दो यू आर ट्राइंग फॉर मेनी गवर्नमेंट जॉब्स एंड वी विश दैट यू शुड क्वालिफाई सम गवर्नमेंट जॉब. विश यू ऑल द बेस्ट एंड वॉट एवर टेन्योर वी रियली हैड गुड टाइम विद यू. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. रही बात हमारे सीनियर मोस्ट टीचर्स की, ग्लोरिया सर मेरे स्कूल टाइम में मेरे टीचर भी रह चुके हैं, सो आई हैव गॉट दैट एक्सपीरियंस ऑफ हिम एज अ टीचर ऑल्सो. और यहाँ पे जो इनका आर्ट फॉर्म है वो शायद किसी को इतना उस आर्ट फॉर्म की नॉलेज नहीं है, बट होपफुली जितने सर ने जो अपने स्टूडेंट्स प्रिपेयर किए हैं या टीचर्स को जो थोड़ा बहुत ज्ञान बांटा है वो हमारे आगे उसको थोड़ा सा चला पाएँ, उस कल्चर को थोड़ा सा आगे प्रमोट करते रहें. बट सर विद वेरी हैवी हार्ट आई वुड लाइक टू यू नो वी कैन ओनली कन्वे गुड विशेज टू यू कि आपका फ्यूचर में सब तरह से, मतलब आपकी माता हैं, आपके फादर तो नहीं है बट मदर के साथ या आपकी जो भी है, आपका फ्यूचर अच्छा रहे. एंड पंडिता सर, आई रियली हैड गुड इंटरेक्शन विद यू फॉर लास्ट 5 years. आई एम नोइंग यू एज अ मैथ्स टीचर. बहुत सही बोला जैसे सब टीचर्स ने बोला, यहाँ से स्कूल से निकलना शांत मन से और शांति विद दैट मेंटल, कीपिंग दैट मेंटल बैलेंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सर विश यू ऑल द बेस्ट एंड योर एंटायर फैमिली गुड लक फॉर योर फ्यूचर सर. थैंक यू सो मच. अब मैं अपने स्कूल के यशस्वी प्राचार्य जी से अनुरोध करूँगा कि वे विदाई समारोह के शुभ अवसर पर हमारे मित्र को अभी अपने आशीर्वाद कर. You know, from the beginning, I am telling you ki we are a part of APS family. And if anyone is leaving the family, you can understand that pain. And today, especially, I will say,
the type of person who are leaving. If I'm starting from Gloria sir, who is the senior most here, Basoli art, I think अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इफ़ यू आर हैविंग अ टीचर ऑफ दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड एंड ही यूज टू बी माई शो केस वेन आई से ही मीन्स हिज पेंटिंग एंड हिज टैलेंट वॉट एवर आई एम हैविंग दैट यूज टू बी माई शो केस इन एवरी इवेंट वेदर इट इज़ रिलेटेड विथ आर्ट और नॉट मैं सी पी एम भी करा रहा हूँ तब भी इनकी रोल रहेगा मैं कोई एग्जीबिशन करा रहा हूँ तब तो रहना ही है सो आई कैन से कि भाई वॉट टैलेंट आई एम गोइंग टू मिस सो एज अ प्रिंसिपल आई एम गोइंग टू मिस ग्लोरिया सर बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट his behavior, the type of personality he is having, कि भाई दुनिया से को मोह माया नहीं है और यही सब कुछ है तो कहते हैं ना हम तो वैसे भी कहते हैं कर्म ही धर्म है इनके लिए तो बोलने की भी ज्योति है कि कर्म ही धर्म है इनके पास शायद अब कर्म ही कर्म है हमारे पास तो बहुत से एक्सक्यूजेज रहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं और उनमें हम कई बार उलझ भी जाते हैं तो शायद हमारी कहते हैं ना एफिशिएंसी भी घट जाती है इनके पास ना कोई शायद ऐसा प्रेशर था ना वो कोई ऐसा लालच था सो जो भी था काम ही काम था सो दैट वे ऑल्सो ग्लोरिया सर पूरा स्कूल आपको हमेशा मिस करेगा बट यस जितने टैलेंट आपने आज तक तैयार किए हैं बच्चों के फॉर्म में उनको मोटिवेट करो कि आगे ये कला जो है आपकी वो चलती रहे और कभी भी स्कूल को लगता है कि आपकी ज़रूरत है तो मुझे पता हम ना भी नहीं कहोगे और हम शायद आगे भी अगर ज़रूरत पड़े तो आपकी सेवा लेते रहें तो उस एंगल से ग्लोरिया सर को मिस करना बहुत बड़ा वैक्यूम बनने वाला है मेरे लिए मैंने एक LSB बोर्ड ऑलरेडी कर लिया है बट इनके टैलेंट का तो मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कोई मिलता मैं पहले भी मेडली तैयार था इंटरव्यू बोर्ड में भी कोई नहीं मिलेगा बट शायद इनको छू पाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे कि ऐसा कोई टीचर आ जाए अगर मैं बात करता हूँ पंडिता सर की तो मैथ्स और साइंस हमेशा APS के लिए जो है ना एक क्राइसिस ही रहा है तो मेरे पास एक एनर्जेटिक यंग टैलेंट था अनिल मैथ्स में और एक एक्सपीरियंस शांत रह के काम करने वाले पंडिता सर दोनों को मैं एक साथ मिक्स कर रहा हूँ यानी एनर्जी भी जा रही है और पेशेंस वाला पार्ट भी जा रहा है सो देखते हैं दोनों को हम कैसे कवर अप करते हैं बट यस अनिल कहते हैं ना एक अपने पर्सनल रीजन के कारण वहाँ शिफ्ट हो रहा है बट मैं जानता हूँ उसकी डेस्टिनी वो भी नहीं है एंड आई वॉन्ट टू सी अनिल कि भाई जैसे मैडम ने भी कहा है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो जो भी हो बट कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पहुँचो दैट इज़ माई बेस्ट विशेज सर के लिए तो बस ये कहूँगा कि अच्छा लाइफ हो बेटी की जल्दी शादी हो वेट करो क्योंकि अब मैं भी एक बेटी और बेटे का बाप हूँ तो अब शादियों वाले चक्कर में मैं थोड़ा मेंटली बनना जा रहा हूँ और सर का भी कहीं ना कहीं अब दिमाग उस तरफ होगा तो मेरे बेस्ट विशेस हैं कि एक अच्छा रिटायरमेंट लाइफ ये इंजॉय करें और जल्दी से हमें खुशखबरी दें कि भाई रक्षिता की शादी हो रही है सर आप आओ ज्वाइन करो सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीथिंग फॉर यू सेम टू अनिल यू ऑल्सो और कोई अच्छा मैं तो कहूँगा कोई कॉम्पिटिशन अच्छा क्रैक करो लीव दिस टीचिंग लाइफ IAS सिविल सर्विसेज की तैयारी करो दैट इज माय बेस्ट विशेस ऑल द बेस्ट बाय सर ठीक है सर ठीक है थैंक यू सर हम लोग आ रहे तीनों